हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, जो मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ हमारे दोनों बेटे जा रहे हैं, मेरे भाई के लड़के, वो भी हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए चल रहे हैं। हमारे गांव से माता विंध्याचल मंदिर लगभग 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगभग लग जाएगा। अभी हम मंदिर के समीप पहुंच गए हैं। देखिए, यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी किया है। हमने हमारे साथ देखिए श्रद्धालु लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है। देश और विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनकी श्रद्धा है। यहाँ पर पहले रोड बहुत सकरा था, आने जाने में बहुत तकलीफ होता था, लेकिन नया कॉरिडोर बन रहा है। देखिए, सारे बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया और रोड को चौड़ा कर दिया गया। कॉरिडोर बनने के पहले यहाँ मंदिर में आने जाने का रास्ता बहुत ही सकरा और तंग था। मंदिर तक आने जाने में बहुत ही परेशानी होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी नाथ की सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए विंध्याचल मंदिर के चारों ओर 224 करोड़ की अनुमानित लागत से यह गलियारा बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। कॉरिडोर के निर्माण के बाद माँ विंध्यवासिनी मंदिर गंगा तट से दिखाई देने लगेगा। रास्ते के दोनों ओर बहुत सारे फूल माला प्रसाद की दुकानें हैं। माता जी को प्रसाद और फूल माला चढ़ाने के लिए यहां से आप खरीद सकते हैं। विंध्याचल मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य बहुत ही जोरों से चालू है। लगभग जल्द ही समय में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। विंध्याचल कि इस कॉरिडोर के निर्माण से देवी धाम को भव्य रूप मिलेगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। अब इंतजार है उस दिन का, जब यह धाम भव्यतम रूप लेकर सबकी आस्था एवं आकर्षण का केंद्र बनेगा। विंध्याचल मंदिर, जिसे माँ विंध्यवासिनी और विंध्याचल धाम के नाम से जाना जाता है, यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। विंध्याचल मंदिर में हमेशा हजारों भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। नवरात्रि के दिनों में यह संख्या और भी बढ़ जाती है। इस त्यौहार के समय इस शहर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। अब हम सभी लोग माता जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हर रोज ऐसी ही श्रद्धालुओं की भीड़ माता जी के दर्शन करने के लिए लगी रहती है। भारत में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का बहुत प्रचलन है। उनकी साधना तुरंत ही फलित होती है। माता जी की महिमा अपरंपार है। हे माता जी, हमारी एवं हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे भारत देश एवं हमारे सारे विश्व का कल्याण करें। विंध्यवासिनी माता की जय। हम सभी लोगों ने माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन कर लिया। गाइस, आपके पास समय हो तो आप अपने जीवन में एक बार अवश्य माता जी का दर्शन करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। जय माता दी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय माता दी। जय विंध्यवासिनी माता की जय हो।